हेलो एवरीवन, आज की जो प्रोसेस है इस कोगुलेशन में क्या है, मैंने मिल्क लिया है और लैमिन लिया है। जो मिल्क का पीएच है वो 6.8 है, जनरली 6.8 होता है, और जो लैमिन है उसका जो पीएच है वो 3.5 है। तो दोनों ऐड होंगे तो कर्डल्स फॉर्म करेंगे। मिल्क में जो प्रोटीन है वो कैजीन प्रोटीन है, लेमन जूस में जो एसिड होगा वो सिट्रिक एसिड होगा। लेट्स टू ट्राई, देखते हैं बनते हैं नहीं बनते हैं। Squeezing lemon into water. Sorry. जो ये मैंने मिल्क लिया ये हॉट मिल्क की है और इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ। पीएच ड्रॉप होगा मिल्क का। Yep. तो ये एक प्रोसेस है कोगुलेशन। सिंपली व्हेन वी ऐड अ लेमन जूस लेमन इनटू मिल्क सो व्हाट वी गेट कर्डल्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको ये एक प्रोसेस है कोगुलेशन। हॉट मिल्क लिया, हॉट मिल्क में क्या ऐड किया, लेमन की कुछ ड्रॉप्स डाली जिससे हमें क्या मिला, कर्डल्स मिली। ये एक इजी प्रोसेस है। किसी क्वेश्चन में लाइक किसी एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जैसे कि कोई लेमन अगर मिल्क में ऐड होता तो कौन सी प्रोसेस होती है कोगुलेशन, मिल्क का जनरल पीएच वैल्यू कितनी है 6.8, लेमन की कितनी होती है 3.5 समथिंग, और मिल्क में कौन सा प्रोटीन है कैजीन, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा कर्डल्स। तो यहाँ से भी आप कितने सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। थैंक यू, आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी और डू अप्रिशिएट। थैंक यू।